मित्र, अब तुमसे क्या कहूँ। धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास तो मुट्ठी भर भी खाने को नहीं देता, इसलिए मुझे खुद यहाँ आकर ये मिट्टी में मिली हुई घास खानी पड़ती है मेरे मित्र। इसीलिए मैं दुबला होता जा रहा हूँ। अगर मामा जी यही बात है तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर हरी घास का मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी वहीं पर है। वहाँ मेरे साथ आओ और आस्ते आस्ते अपने जीवन को व्यतीत करो। उसकी बात सुनकर गधा बोला, बात तो ठीक है तुम्हारे मित्र, किंतु हम ठहरे गांव के देसी जानवर। हमको वन के जंगली जानवर से बड़ा डर लगता है, कहीं वो हमको मार के ना खा जाए। इसीलिए हम वन के हरे मैदानों की तरफ अपना मुख नहीं करते मित्र। तब गीदड़ बोला, मामा ऐसा ना कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं।